Hi, this is Manish Paul, and firstly, thank you so much. Thanks to all the people who have given so much of love to my first song. बेखबर से है इश्क में तेरे बात। अभी गाना हमारी कंपनी ने प्रोड्यूस किया, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना था। हमें और मेरे बड़े भाई विवेक पॉल, सचिन और मनीष ने ये साथ में मिलके एक दिन सोचा कि ये सॉन्ग को गाके तैयार करें। सो हम लोग इकट्ठे प्लान कर रहे थे कैसे शूट होना है, कौन कौन होगा, कहाँ से चीजें आएंगी। सो फर्स्टली फर्स्ट टाइम डूइंग एवरीथिंग, हमने ये गाना दो लोकेशन पे शूट किया है। एक थी बॉम्बे अड्डा, वी वर लुकिंग फॉर अ क्लब काइंड ऑफ फील, बिकॉज जो गाना है उसमें मेरा जो कैरेक्टर है वो एक क्लब में सिंगर है, तो आई थिंक मुझे उससे बढ़िया जगह लगी नहीं। शबीना खान जिन्होंने बहुत ही बढ़िया डायरेक्ट किया है वीडियो, उनका आइडिया था, शी वॉज लुकिंग फॉर अ प्लेस लाइक दैट। तो मैंने उन्हें जब बताया ये जगह है, उन्होंने जाके जगह देखी, शी रियली लाइक। रेस्ट ऑफ द सॉन्ग हैज बीन शॉट इन मुकेशमल, विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत सी शूटिंग जहाँ हुई हैं, बहुत पुरानी लोकेशन। बट यस, शबीना ने जिस तरीके से उसको इंटीग्रेट किया सॉन्ग के अंदर, इट्स कम आउट रियली रियली वेल। आई थिंक वी हैव बीन ब्लेस्ड टू हैव हर एज द डायरेक्टर ऑफ दिस सॉन्ग, बिकॉज द सॉन्ग डिजर्व द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट शी इज गिवन। लाइक जैसे कि मनीष और विवेक ने कहा कि दोस्ती में और भाईगिरी में सब ने मिलकर उन लोगों ने गाना रेडी कर दिया। सेम उसी तरह फिर एक दिन सलमान सर ने मुझे कॉल किया, ही सेड कम हियर एंड अबाउट टू शेयर समथिंग विद यू, और उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया। ही सेड कैसा लगा गाना, तो मुझे ऑडियो बहुत अच्छा लगा, तो आई सेड सर गाना तो बहुत खूबसूरत है, ही सेड तुम्हें इसे शूट करना है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि मनीष पॉल और जूलिया इसमें होंगे, तो वेरी एक्साइटेड, क्योंकि दोनों ने खुद ने गाना गाया है। वहाँ से मेरी जर्नी इस गाने को लेकर शुरू हुई, और उसके बाद इस गाने के पीछे आई टुक लाइक 15 टू 20 डेज टू मेक द होल कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट टाइम वर्किंग विद जूलिया वंतू, जूलिया इफ आई टॉक अबाउट, आई थिंक शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स, शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट को-स्टार्स आई वर्क विद। जूलिया मेरी टाइमिंग बहुत अच्छी रही, आई थिंक एक एक्टर के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर उसका जो को एक्टर है वो बहुत कम्फर्टेबल, बहुत ईज से समझता हो बात को। आई थिंक यूलिया के साथ वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा कि जब भी हमारा कोई भी एक शॉट शबीना मैम बताती थी, बहुत अच्छे से वो समझ जाती थी, एंड आई थिंक वो हम एक बारी में जब शॉट निकाल देते थे, सो वी सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वीडियो जो होते हैं हमें बड़ी जल्दी जल्दी शूट करने पड़ते हैं, वी कांट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, उतना टाइम नहीं होता, दो दिन का टाइम है पूरा वीडियो शूट करना। सो थैंक्स टू यूलिया। So the whole her Jai experience started when Manish Paul made me listen to this beautiful song composed by Sachin Gupta. I loved it immediately, and I started humming and jamming with him. And then on board came Shabina Khan, which is a wonderful choreographer and director, and she has done an amazing job with this video. The whole day we were shooting from morning till evening, but I didn't realize when the time was passing, because we had so much fun and we've done everything. We laughed, we cried, we ran. We've done so many things in one video, and the day has passed just like that, in a second. And to work with Manish Paul, it's a great experience, it's very, very fun. Probably you all know that, because he has the humor with him all the time. Shabina Khan with her whole team together, they are such professional people, such a good, hard-working people. And I'm so happy that I got a chance to work with them, and they delivered everything so fast. Everything was so relaxed and so easy on the set because of her and her team. And wo trust hi tha jiski wajah se hum ek team ki tarah itna acha behtar kaam kar sake. We're all a very good team by, you know, by virtue of we having Yulia on the sets, by virtue of we having Manish on the sets, Shabina, Sachin, all our producers, Akshay and Sangeeta. So all in all, a very, very good unit we had, and we are blessed to have such a team.